क्या कर रही हो तुम लोग, मानोगी नहीं, ऐसे ही बैठी रहे चुपचाप या घर चली जा, नहीं नहीं है तुझे, गाजरे यहाँ भी बेचेगी तू, चली जा घर पर। जब तक कुछ कहो नहीं बात ही नहीं बनी, हम सोच रहे ऐसे ही मान जाएगी मान जाएगी। जो मदरसे के अमीन हजरात हैं, जो मदरसों जो यानी हमारी कौम है, अफसोस इस बात का है कि इन्हें भी मदरसे का इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है, इन्हें भी मदरसों की अहमियत का अंदाजा नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मदरसों को चंदा देते हैं, और अगर दे भी देते हैं 10-20-100-50 रुपए तो 10 बार हिसाब भी लेते हैं। अब देखो ना, इतना बड़ा लखनपुर मिलक है, अल्लाह ने पैसे भी दिए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये मदरसा आप देखें चंद कमरों पर मुश्तमिल है। अगर इनकी सोच होती सबकी, चंद लोगों की नहीं, तो ये मदरसे को वुसअत देते और बढ़ाते, 4 मदरसीन रखते, 8 मदरसीन रखते, और अल्लाह करेगा होगा ऐसा भी मुस्तकबिल में। मैं ये कहना चाहता हूं ऐसी सोच हमें पैदा करनी है, मानसिकता बनानी है। वजह क्या है? वजह यह है कि इस मदरसे के बगैर हमारी कौम अधूरी है, मदरसे के बगैर मिल्लत अधूरी है, और बल्कि मैं कहता हूं मदरसे के बगैर इंसानियत अधूरी है, मदरसे के बगैर इंसानियत अधूरी है, मिल्लत अधूरी है। ये बहुत बड़ी बात कह दी मैंने। मैंने ये बात इसलिए कह दी, मिल्लत इसलिए अधूरी है कि रोजे का, नमाज का, हज का, ज़कात का हर फलसफा मदरसे के अंदर हल होता है। बेशक आपको नमाज कैसे पढ़ाई जाएगी ये मदरसा बताएगा, अगर मदरसा नहीं बताएगा तो फिर आप नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि मदरसे का उसमें क्या काम है? मदरसे का उसमें काम है कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो नमाज में जज़ाकल्ला अल्लाह आबाद रखे, नमाज में आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे। अब कुरान शरीफ अगर ठीक पढ़ेंगे तो नमाज आपकी हो जाएगी, और कुरान शरीफ अगर अच्छा नहीं पढ़ेंगे, मखारिज आपके पास अच्छे नहीं होंगे प्रोनंसिएशन कुरान का, तो आपकी नमाज कैंसिल कर दी जाएगी, नमाज की पेटी खोली जाएगी मैदान महशर में और आपकी नमाज कैंसिल हो जाएगी कि आपने कुरान अच्छा नहीं पढ़ा था। तो अब ये कुरान अच्छा पढ़ना कहाँ से होगा? मदरसे में। तो इसका मतलब नमाज कहाँ से अच्छी मिलेगी? मदरसे से। ठीक है, मदरसे का की जरूरत का एहसास हो गया आपको। रोजा, रोजे के मसाइल, इंजेक्शन लगाने से रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा आपको नहीं मालूम है, मदरसे वाले बताएंगे कि टूटेगा या नहीं टूटेगा। कह आ जाए तो रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा आपको नहीं मालूम, मदरसे वाले बताएंगे। हज किस तरीके से किया जाता है ये तरबियत, ये ट्रेनिंग मदरसा देगा। ज़कात 100 रुपए में कितने रुपए दी जाती है ये मदरसा बताएगा। ये तो हो गए आपके दीनी मसाइल। अब आपके आ जाइए घरेलू मसाइल पे, आपका निकाह होना है मदरसे वाले ही पढ़ाएंगे, कोई और नहीं पढ़ाएगा, मौलाना साहब ही आएंगे, तो आपका घर भी अधूरा हो गया बगैर मदरसे के। अगर मौलाना नहीं होगा तो निकाह नहीं होगा, दम निकल गया तो जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा, तीजा हो गया तो मौलवी नहीं है तो ईसाले सवाब कौन करेगा। इसका मतलब मदरसा हमारी हर रग में शामिल है, मदरसा हमारी हर जरूरत, मदरसा हमारी बुनियाद हो गई, इसके बगैर हम एक कदम आगे नहीं रख सकते। आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, अल्लाह ताला करेगा तो उस बच्चे के कान में अजान भी, बाजार से कोई आदमी नहीं आएगा पढ़ने के लिए, मदरसे से ही आएगा, मौलाना साहब ही आएंगे। अगर बुखार आ गया बच्चे को तो फ्री में तावीज़ देने वाले भी मौलाना साहब ही होंगे, वो तावीज़ दे देंगे आपको, वो सही हो जाएगा। उसके बाद जनाबे वाला
बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, नमाज रोजे के की तरबियत, ये बेचारे मौलाना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से उनको देते हैं, सुभान अल्लाह, बड़ी मेहनत करते हैं। तो मकसद मेरा ये हुआ कहने का कि मदरसा एवरी फील्ड ऑफ लाइफ पर एट एवरी कॉस्ट, आपके लिए मदरसा बहुत ज्यादा जरूरी है। बगैर मदरसे के हम और हमारी इनफरादी तौर पर और सोशली तौर पर, यानी हम अकेले और पूरी जमात, हम बगैर मदरसे के चल नहीं सकते। कितनी जरूरी चीज है, मगर फिर भी हमारे दिमागों में मदरसे का ख्याल नहीं आता, बेशक मदरसे की जरूरत का एहसास नहीं होता। नमाजें सारी बर्बाद हो जाए कोई मतलब ना, होने दो और हो ही रही है। सुभान रब्बियल अजीम पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सुभान रब्बियल अजीम, उसमें रुकू में आप क्या पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, अलल तो कई बार पढ़ते हैं ना, सुभान रब्बियल अजीम, क्या मतलब, अजीम का माना आता है अजमत वाला अल्लाह, शान वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, सुपर पावर अल्लाह। ये कहने गए थे हम रुकू में, ये कहने गए थे, लेकिन हमारी नाख्वानदगी की वजह से हम कह के क्या आ गए, पढ़ाई ना होने की वजह से हम अल्लाह को गाली दे के आ गए, बजाय अजमत वाला कहने के माज अल्लाह अल्लाह को हम बुरा कह के आ गए। और नमाज में एक चार चार रकत में चार रुकू और बारह रकत में बारह चौ भाई हर बारह में बारह हो गए, अड़तालीस कहां से हो गए, बारह में बारह रुकू हो गए। अब हमने एक जोहर में बारह बार अल्लाह को गूंगा कहा, क्या कह दिया, अजीम का माना गूंगा, अजीम का माना सुपर पावर, अजमत वाला, तो कहने गए थे अजमत वाला और कह के आ गए गूंगा माज अल्लाह, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। फिर भी हमारी नजर में मदरसे की कोई हैसियत नहीं है, कुछ समझ में आए, ये सारी नमाजें तुम्हारी जनाब वाला मुंह पे मार दी जाएंगे, जब अधिकारी बैठ जाएंगे मैदान मैशर में तो पता चला कलुआ की, नबुआ की, बबुआ की, शब्बन की, मल्लन की, जुम्मेराती की, शबे बराती की, सबकी नमाजें कैंसिल हो गई, जोहर की भी कैंसिल, असर की भी कैंसिल, मगरिब की भी कैंसिल, असर की भी कैंसिल, ईशा की भी कैंसिल, जनाब वाला हमने पूछा, बड़ी मेहनत से आए थे, रात को रात न समझा, धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, मस्जिदों में जाते थे भाग भाग के नमाज पढ़ने के लिए और तुमने हमारी नमाज को जरा सी देर में कैंसिल कर दिया। तो बोले, वही बोले जो यहाँ लोग तुम बोलते हो जब वोट डालने जाते हो, मिसाल है ये ताकि जहन करीब हो जाए, जैसे तुम्हारे बैलेट पेपर पे तुमने मोहर लगा दी, अब मोहर लगा के तुम्हें उसको पेपर को मोड़ना था, अब तुमसे उठ वो मुड़ गया उल्टा, अब इधर की रोशनी इधर भी फैल गई, वोट तुम्हारा कैंसिल, चाहे तुम लाइन लगे, मेहनत करी, बारिश में खड़े रहे, तुम लड़े किसी से कि मैं खड़ा रहूंगा और मैं वोट डालूंगा, तुम किसी से भी लड़े, मगर तुम्हारा वोट कैंसिल हो गया। जब वो वोट कैंसिल हो गया तो हमने पूछा साहब, हमने तो बड़ी मेहनत से वोट डाला था, लाइन में खड़े हुए थे, तो ये कैंसिल कैसे हो गया, तो अधिकारी जो काउंटर होते हैं वो जनाब वाले कहने लगे, कैंसिल होने की वजह ये है कि रोशनी फैल गई थी, तो आप कहते हैं हमें पता नहीं था, तो वो कहते हैं क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं गया था, गाँव में कोई ऐलान करने वाला नहीं गया था, ये बताने वाले सरकारी लोग नहीं आए थे कि वोट ऐसे डाला जाता, मोहर ऐसे लगाई जाती और मोड़ा ऐसे जाता, कि आए तो थे, बताया भी था, मगर हमने ध्यान नहीं दिया, एक मौका और दे दीजिए, तो वो कहेंगे नहीं नहीं, इट वॉज लास्ट एंड फाइनल चांस, जो हो गया वो हो गया, मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये समझ गए हो तो ये समझ लो कि जनाब वाला ऐसे ही नमाजों की पेटियां मैदान मैशर में खोली जाएंगी। वाह भाई जिंदाबाद, खोली जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान शरीफ में, अंत हबता अमालुकुम व अंतुम ला तशुरून, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा,
जोहर कैंसिल, असर कैंसिल, मगरिब कैंसिल, ईशा कैंसिल जनाब वाला। अब फजर का, अगली फजर का मसला आया तो कह दिया गया हातिफ गैबी से निदाई, ये फजर कैंसिल मत करो। इस फजर में हमारा एक नेक बंदा भी जमात में था, उसकी वजह से हमने सबकी नमाज कबूल कर ली। जोर से जोर से, अब नेक बंदा कौन था? ये भी मदरसे वाला ही था, जो अल्लाह से डरता था, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग रोशन था, गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा था, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा था, वो अल्लाह का नेक बंदा था। वो जनाब वाला कहीं थे सफर में, जनाब गाड़ी रोक के या घोड़ा रोक के या ऊंट रोक के, उसने कहा मुसलमानों की मस्जिद है, चलो नमाज पढ़ लें। हजरत मोहतरम, वो अल्लाह को प्यारा बंदा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया नमाज सबकी कैंसिल, मगर इस नेक बंदे की वजह से आज हमने सबकी नमाजों को कबूल कर लिया। ये अवार्ड है, ये रिवार्ड है अपने एक नेक बंदे की वजह से इन सारे नमाजियों को। वाह भाई, नारे ये इनाम है, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहिब किबला, जश्ने दस्तार बंदी जिंदाबाद। कोई परेशानी तो नहीं है? क्या है, हैं? पैसे तुड़ा ले ले, यहां से तुड़ा ले बेटा, और तुड़ाने क्या, देने भी लोट पेट के इधर ही है, सभी दे दो, तुड़ाने की क्या बात। एक बात तो तुम्हारी समझ में आई, इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम अपनी नमाजें बचाना चाहें तो मदरसों से जुड़ना होगा, मदरसों से जुड़ना होगा हर हाल में। और जो कहेगा नहीं नहीं बगैर मदरसे के हम ये काम कर लेंगे, बगैर मदरसे के यूं कर लेंगे, तो तुम कर नहीं सकते जनाब वाला, कर नहीं सकते इसलिए कि प्रैक्टिकली और होता, बातें और होती हैं, कहने की बातें और होती हैं, और जनाब वाला करने की बातें और होती हैं, कहना और होता है, प्रैक्टिस अलग चीज़ होती है, ये घरों में नहीं होती ये प्रैक्टिस जनाब वाला। अगर घरों में प्रैक्टिस होती तो हर आदमी डॉक्टर बन जाता, बेशक। अरे घरों में अगर जनाब वाला किताबें पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस हो जाती, तवज्जो, आना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए मदरसे में। अब आपको आती है शर्म, और आप तो ऐसा करते हैं कि आपकी उम्र 40 साल की हो गई, 50 साल की हो गई, आप तो पढ़े भी नहीं है और सीना दोरी अलग से करते हैं इमाम से। एक बात तो ये देखो, पढ़े भी नहीं और ऊपर से सीना हजोरी इमाम को मस्जिद से निकालने की धमकी। हम तो कुबड्ढे हैं, तुम तो पढ़े हुए हो, ऐसे कहते हैं, हम तो कुबड्ढे हैं, जाहिल हैं, तुम तो पढ़े हुए हो, इमामों से ऐसी बातें करते हैं, यानी मदरसों से दूर, पढ़ना नहीं आता, फिर नंदीशन अच्छा नहीं, फिर भी इमामों से सीना दोरी करते हैं लोग। पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने कैसे कह दिया कि मैं कुबड़ हूं या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप अभी जिंदा हैं, आपका अभी मौत नहीं हुई, जनाजा नहीं सजा, तीजा नहीं हुआ, दसवां नहीं हुआ, बीसवां नहीं हुआ, चालीसवां नहीं हुआ, यू आर अलाइव, अभी आप जिंदा हैं, देख रहे हैं, आपकी जिंदगी एक्टिव है, अभी डीएक्टिव नहीं हुआ है मामला, रूह बॉडी में मौजूद है, आप जिंदा हैं, आप चाहें तो आज पढ़ने बैठ के मदरसे में, आपके पास अगर मानसिकता होगी तो आप मदरसे में आ जाएंगे। मौलाना मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, मुझे कुरान पढ़ना सिखा दो जनाब वाला। कोई मौलाना ऐसा नहीं होगा जो आपको रिजेक्ट कर देगा और भेज देगा, ना 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 मैं ये काम नहीं कर सकता जनाब वाला। लेकिन बट यू हैव नो माइंड, सोच नहीं है ऐसी, अगर सोच होती मौलानाओं के पास होते, मौलानाओं के सामने जान हुए अदब तय करते। मैं इमरान हनफी मुरादाबाद वाला गारंटी देता हूँ, अगर आपने किसी जज्बे, किसी खास जज्बे तहत किसी मदरसे में आकर किसी मौलवी के सामने, हाफिज़ो कारी के सामने अगर जानू अदब तय कर लिया होता तो एक महीना नहीं लगता, एक महीना नहीं लगता जनाब वाला, और आपका सीना कुरान के इल्म से रोशन हो जाता, इसलिए कि कुरान को अल्लाह, कुरान पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ने गारंटी दी। हालांकि कुरान हार्ड बहुत है, अरे बहुत हैवी है कुरान, बहुत हार्ड है कुरान। अल्लाह इरशाद फरमाता अगर मैं इन पहाड़ों पे इस कुरान को उतार देता तो पहाड़ फट जाते, रेजा रेजा बिखर जाते,
शीराना मुंतशिर हो जाता इन पहाड़ों का। लव अंजलना हादल कुरान अला जबल ला रायतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह। ये कुरान है, हार्ड है, हैवी है, जमीन उठा ना सके, आसमान उठा ना सके इस अमानत के बोझ को, इतना हैवी और हार्ड है, पहाड़ फट जाए। मगर जनाबे वाला ये कुरान इतना हार्ड होने के बाद भी इतना आसान और इतना इजी है कि अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया और गारंटी दी है कि वलकद यसनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है और हमने कुरान को आसान फरमा दिया है याद करने के लिए, है कोई याद करने वाला? अल्लाह आबाद रखे। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हार्ड इतना के पहाड़ बोझ उठा ना सके और आसान इतना कि तुमने अभी अभी देखा तुम्हारे यहां मदरसे में ये छोटा सा बच्चा धौलपुरी का हाफिज जी का क्या उम्र होगी? 14 साल होगी, 12 साल होगी, सीने में कुरान भर दिया मौलवियों ने, उस्तादों ने अंथक कोशिश करके संघर्ष करके कुरान जैसी दौलत को इसके सीने में मुंतकिल कर दिया। 12 साल 14 साल के बच्चे के सीने में कुरान, आप 40 साल के हैं आपके सीने में कुरान क्यों नहीं आ सकता? आपके पास सोच नहीं है, मानसिकता नहीं है? अरे कुरान तो जनाब इतना आसान है कि 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 6 साल के बच्चे के सीने में कुरान, और 2 कदम आगे और बढ़ जाओ लखनपुर मिलक और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों, हमने तो हिस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड भी देखे हैं कि लोगों ने माओं के पेटों में कुरान शरीफ को याद फरमा लिया। उनमें से एक मिसाल बगदाद वाले शहनशाह की है, वो गौसे आदम, मीरे मीरा पीरे पीरा शाहजिला गौसे पाक महबूबे जमानी गौसे समदानी शहवादला मकानी सैयदना सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रोशन दमीर। खुदा की कसम जब वो माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 पारों के हाफिज़े कुरान थे। जोर से सुभान अल्लाह कह दें। सुभान अल्लाह, सुभान। बरेली के आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िले बरेलवी जनाबे वाला जब उन्होंने कुरान को याद करने का इरादा फरमाया तो एक महीने के अंदर अंदर आपने कुरान को याद फरमा लिया, पूरा कुरान का हाफ़ज़ा एक महीने के अंदर। सुभान अल्लाह। आप क्यों नहीं कर सकते? आप 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में बाइक चला सकते हैं, आप कार की ड्राइविंग कर सकते हैं, आप कपड़े की दुकान चला सकते हैं, आप बगैर बैलों के पट्टा मारे हल चला सकते हैं, आप जनाब ट्रैक्टर चला सकते हैं, आप जनाब वाला क्या नहीं कर सकते हैं? आप टच मोबाइल पर धड़ाधड़ उंगलियां मार सकते हैं, तो क्या आप कुरान नहीं पढ़ सकते? फिर सी नजर ही करते हैं बटिए, हम तो कुबड्डे, तुम तो पढ़े हुए हो। कोई लोगों हर हाल में इन मदरसों से जुड़ना होगा। और जुड़ना क्यों नहीं होगा जनाब वाला? ये मदरसा हमारी ऐसे बुनियाद बन गया जनाब वाला, अभी अल्लाहु अकबर इस मदरसे को आप क्या समझ रहे हैं? मदरसे की जड़ें कोई दुनिया से लगी हुई हैं? ना 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 लोगों, अल्लाह की कसम मैं आपको जनाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुफ्ती नईमुद्दीन जैसे काबिल मौलवियों के सामने ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जनाब वाला ये मदरसा हजरात मोहतरम हमारा बेस इसलिए बन गया कि जनाब ये मदरसा दुनिया में नहीं बल्कि सबसे, इस मदरसे का शजर नसब पुराना है। ये सबसे पहले ये मदरसा न इमरान हनफी ने, न नईमुद्दीन ने, न मौलाना काशिफ ने, न एहसन मियाँ ने, न मौलाना आकिल रजा ने, ना इनमें से किसी ने नहीं, यहां तक के मेरे नबी ने भी नहीं। सबसे पहला मदरसा दुनिया में नहीं बल्कि सबसे पहला मदरसा अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया। वाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब अंदाजा लगाओ संसार की रचना करने वाला अल्लाह, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला अल्लाह मदरसा बना रहा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और जनाब वाला मदरसा बनाया भी और उस मदरसे में
पढ़ाया भी पढ़ाने वाला अल्लाह है, और पढ़ने वाला कौन है जनाब वाला, पढ़ने वाले हमारे अब्बा हमारे बाबा हजरत आदम नबीन वाले इस्लाम है। अल्लाह पढ़ा रहा है, आदम पढ़ रहे हैं, और इतना पढ़ाया अल्लाह ने, इतना पढ़ाया मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ के पहले पारे में, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, और अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमाए। मुफस्सरीन फरमाते हैं अल्लाह ने बाबा आदम को 6 लाख जबानों का इल्म अता फरमा दिया था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम 6 लाख जबान है। आगे बढ़ने से पहले अर्ज करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में इस वक्त 2462 जबान बोली जाती हैं। हर कोई कहते हैं हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, ये हमारी जबान है, अंग्रेजी हमारी है, हिंदी हमारी है, संस्कृत हमारी है, तेलुगु हमारी है, तमिल हमारी है, मलयालम हमारी है। मैं इमरान हनफी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, न तेलुगु न तमिल न मलयालम कोई किसी की नहीं है। अल्लाह की कसम दुनिया की हर भाषा पे अगर किसी का इजारा और कब्जा है तो हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का कब्जा है। अंग्रेजी हमारे बाप की, चाइना हमारे बाप की, पुर्तगाली हमारे बाप की, मलयालम हमारे बाप की, उर्दू हिंदी संस्कृत हमारे बाप की, हर जबान बाबा आदम की है। इसलिए तुमसे हो सके तो हर जबान सीख लो। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई परेशानी? इसका थोड़ा ये सो रहे आगे लल्ला। अच्छा इसका पता नहीं क्या करते हैं, मशीन इतनी हैवी हैवी लाकर रख देते हैं, फिर बाद में पता ही नहीं चलता किधर चली गई वो मशीन। यानी आवाज बस मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं तो ये लग रहा है कि यही है बस। अल्लाह ताला फजल फरमाए, तवज्जो है जी, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। मदरसा अल्लाह ने बनाया, अच्छा फिर और आगे बढ़ो, रहने दो यहीं पे, यहीं रहने दो, और बार बार उंगली इसमें मत करना। माइक ऐसा हो कि दूर से बोला कैच करे, बहुत बढ़िया माइक है अब, सही है, परेशान तो नहीं। अल्लाह ने बनाया, अच्छा फिर हमारी रूहें कुर्बान, हमारे दिल कुर्बान, हमारी जिंदगियां कुर्बान मदीने वाले नबी पर। जोर से बोलो जोर से। वो पूरी दुनिया का राजा महाराजा और किंगमन के जमाने के पर्दे पे आया, उसने क्या काम किया? तवज्जो चाहूंगा हाफिज साहब, उसने क्या काम किया? आओ सुनो, मुस्तफा जाने रहमत पैदा हो गए जनाब वाला जमाने पे, छा गए मुस्तफा, 40 बरस के हो गए मुस्तफा, गली गलियारों में ऐलान हो गए मुस्तफा है मुस्तफा है, 40 बरस के हो गए नबी, पूरी तवज्जो रखना, 40 बरस के हो गए नबी जनाब वाला, मेरे नबी ने खास घर को चुन लिया, यानी गारे हीरा को चुन लिया। आप गारे हीरा में तशरीफ ले जाने लगे, गारे हीरा में अल्लाह का जिक्र करने लगे जनाब वाला, एक तन्हाई खाना चुन लिया मुस्तफा जाने रहमत ने, और गारे हीरा में जाने लगे। अब गारे हीरा में जा रहे हैं, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि गारे हीरा में हुआ क्या था। तो जनाबे वाला एक फरिश्ता उतरा आसमान से, तवज्जो चाहूंगा, एक फरिश्ता उतरा आसमान से, जिब्राइल नाम था उसका जनाबे वाला, वो आया और कुरान शरीफ की पहली सूरत लेके आया। उस सूरत में ये आयतें थी, अल्लाह के नबी से वो फरिश्ता यूं कहता है, इकरा पढ़िए, जोर से पढ़िए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, माना बिकारी मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल फिर बोले इकरा पढ़िए या रसूल अल्लाह। तो मुस्तफा जाने रहमत फरमाते माना बिकारी मैं नहीं पढ़ता। जिब्राइल कहते हैं इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, ए महबूब उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया। मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया जनाब वाला, मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, और हमें और आपको ये तसव्वुर दे दिया कि पढ़ाई दो तरह की होती है। एक पढ़ाई वो होती है जिसमें रब का नाम नहीं होता, मेरे महबूब ने नहीं पढ़ी वो पढ़ाई। जोर से बोलो हिडनेट। इरशाद फरमाया माना बिखारी आई एम नॉट रीडर, नहीं पढ़ता। इरशाद फरमाया, अर्ज किया उस रब के नाम से पढ़िए। तो जनाब वाला पढ़ाई वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल हो, जनाब वाला वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम शामिल हो, वो जनाबे वाला इन्हीं मदरसों से तो जुड़ी हुई है जनाबे वाला। इन मदरसों में वो पढ़ाई होती है जिस पढ़ाई में रब का नाम होता है, और जिस पढ़ाई में रब का नाम आ जाए
वही पढ़ाई कारामद होती है। और जिस पढ़ाई में रब का नाम ना हो तो उसमें तो जो कुछ भी है सब हो सकता है, सब हो सकता है। जो भी है डिग्री है तो डिग्री वाला कुछ भी कर सकता है, मगर जिस पढ़ाई में रब का नाम हो, तवज्जो है, डिग्री वाला कुछ भी कर सकता है। ये देखो यूक्रेन में बेगुनाहों का खून गिर रहा है, ये गिराने वाले कौन हैं? ये डिग्री वाले हैं। ये मिसाइल चलाने वाले कौन हैं? ये डिग्री वाले हैं। ये बिल्डिंगों को डेमोलिश करने वाले कौन हैं? ये डिग्री वाले हैं। ये बीच चौराहों पे बेटियों की इज्जतें लूटने वाले कौन हैं? कॉलेज में, ऑफिस में, रोडों पर कौन है ये? ये सब डिग्री वाले हैं जनाब वाला। ये बेगुनाहों का खून गिर जाता है जमीन के पर्दे पे, ये कौन है? ये डिग्री वाले लोग हैं जनाब वाला। बड़ी बड़ी डिग्रियां इनके पास में, ऐसे वैसे हैं ये लोग जनाब वाला। ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से फारिग हैं, इनके पास डिग्रियां हैं। कोई जनाब इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई मास्टर साइंस, साइंस का मास्टर है। और जनाब वाला का मामला क्या है? ये डिग्रियों वाले हैं। एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट के साथ अश्लील सीढ़ी बना सकता है, ये देखा गया है समाज के अंदर जनाब वाला। हजरा डिग्री है मगर रब का नाम नहीं है, इसलिए जनाबे वाला वहां खुदा की कसम इंसानियत और मानवता नहीं। पढ़ाई वो कारामद है जिस पढ़ाई में रब का नाम हो, इसलिए कि हमने वो पढ़ाई देखी है जमीन के पर्दे पे। वो पढ़ाई जिसमें रब का नाम नहीं है, खुदा की कसम अंधेरे लाती है वो पढ़ाई, तारीकी लाती है वो पढ़ाई, उजालों का सत्यानाश करती है वो पढ़ाई, उजालों का सर्वनाश करती है वो पढ़ाई, उजालों का गला घोटती है वो पढ़ाई। हजरा 303 की गोलियों से सीनों को छलनी करती है वो पढ़ाई, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को उड़ा देती है वो पढ़ाई, वो जनाबे वाला मुल्कों को उजाड़ देती है वो पढ़ाई। हजरत दरिया दरिया का पानी लाल लाल इंसान के खून से कर देती है वो पढ़ाई। और ये पढ़ाई जनाबे वाला रब का नाम नहीं है। बहुत बड़ा MBBS और MD है, हजरत मोहतरम डिग्री बहुत बड़ी है, MBBS है, MD है, भूतपूर्व लंदन है, मगर जनाबे वाला कारनामा देखो। ये माँ के पेट में बच्चियों का कत्ल कर देते हैं, ये माँ के पेट में जनाबे वाला बच्ची को मार डालते हैं, और खुदा की कसम उसको टुकड़े टुकड़े करके, उसको टुकड़े टुकड़े करके जमीन के पर्दे पे लाके उतार देते हैं। रोती है, चीखती है वो बच्ची, और खुदा की कसम एक एक सेकंड पे जनाबे वाला जरूर वो सोचती और कहती होगी, अरे ओ पढ़े लिखो और मुहज्जब कत्ल करने वालों, तरक्की याफ्ता दुनिया के डिग्री धारियों, मेरा कसूर क्या था जो मुझे दुनिया में आने से पहले ही मसल दिया गया, रोन दिया गया और मेरा मर्डर कर दिया गया। तुम डिग्री वाले हो, हजरत मोहतरम बताइए चला कि डिग्री वाला अंधेरे लाता है, मगर खुदा की कसम वो पढ़ाई जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल हो, इसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्ररी खुदा की कसम जिसमें जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है, अल्लाह की कसम वो अंधेरे नहीं बल्कि अंधेरों को मिटाते हुए आता है। हैवान ये तो बहीमियत के नंगे नाच का खात्मा करते हुए इंसानियत का झंडा उठाते हुए आता है। वो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी नहीं करता, बल्कि वो आंखों का जाम पिला पिला के दिलों की दुनिया को रोशनी देता हुआ चला आता है। खुदा की इज्जत की कसम ये वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई ने कपड़े धोए हैं, और मदरसे की वो पढ़ाई है जिस पढ़ाई ने लोगों के दिलों को रोशन कर दिया है। और जहां लोगों के दिल रोशन होते हैं, अल्लाह की कसम सच्चा इंकलाब वहां आता है। इसलिए जनाबे वाला इस जमीन को अगर इस तरह से खाली करना हो, इस जमीन को अगर बेचैनी से खाली करना हो, इस जमीन पे हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच मिटाना हो, इस जमीन से जुल्म और सितम, अत्याचार, अहंकार और गुरूर का गला दबाना हो, तो ए लोगों मदरसा जरूरी होगा। बगैर मदरसे के इंसानियत का झंडा उठाना मुमकिन नहीं है, ना कॉलेज उठा सके, ना यूनिवर्सिटी उठा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा इमरान हनफी साहब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे बात, सुभान अल्लाह। अरे बैठता क्यों नहीं लल्ला? एक घंटा तो सुना ना बेटा, ज्यादा लंबा चौड़ा तो मेरे पास भी टाइम नहीं है। मैं रोजाना तकरीरें करता हूं, तुम आज सुन रहे हो तो मुझे जल्दी भागना चाहिए, तुम्हें जल्दी भागना चाहिए। शैतान वहम पैदा करता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा? सच्चा मुसलमान वो होता है जो शैतान की गर्दन मरोड़ दे और साबित कर दे मनहूस, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम।
आज मैं बात करना चाहता हूं, आपको दिखाना चाहता हूं कि मदरसे की हैसियत तुम्हारे लिए, मदरसे का इंपोर्टेंस क्या है तुम्हारे लिए इस मुख्तसर सी तकरीर में। और एक घंटे में मुझे कितना टाइम रह गया, 10 से 12 मिनट, बर्दाश्त कर लो। तवज्जो है? अरे है तवज्जो? आबाद रहो, शाद रहो। कोई उठ के नहीं जाएगा, मुझे जलसे से उठ के जाने वाले लोग पसंद नहीं है, वो लोग पसंद हैं जो जलसे में आके बैठते हैं। अरे क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? एक सेकंड में शैतान तुम्हें उठा के ले जाता है। मैं अपने घर की बात करूं, फौरन उठ के चले जाओ। लेकिन अगर मैं मुस्तफा के घर की बात करूं, अगर मैं इस्लाम की बात करूं, मैं जनाबे वाला बात करना चाहता हूं। पढ़ाई दो तरह की हो गई। मेरे नबी से जब कहा गया कि रब का नाम मेरे नबी से पढ़िए, तो मुस्तफ़ा ने नहीं पढ़ा। और जैसे ही रब का नाम शामिल हो गया, मुस्तफ़ा जान रहमत ने पढ़ा, ये कुरान उतरने की शुरुआत हो गई। ये गारे हीरा से कुरान उतरा। कितने साल में उतरा कुरान मुसलमानों? कितने बरस? अरे बोल दो जोर से, 23 साल। कितने साल? इधर देखो, तवज्जो करो, याद किया करो कुछ बातें। कितने बरस में उतरा कुरान? Within 23 years, 23 साल में कुरान उतरा। थोड़ा 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 थोड़ा। कब उतरा? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले। आज लोग कुरान को फाड़ते हैं, कुरान पे सवालिया निशान मारते हैं, कुरान जलाते हैं। बादली टाने में देवबंदियों ने जला दिया, ड्रमों में भर भर के दुश्मनों ने अमेरिका में जला दिया। एक कुत्ते ने कुरान में इतनी गोलियां मारी, मैगजीन खाली कर दी। कुरान के खिलाफ नफरत है जमाने में, है नहीं है? और आप कुरान शरीफ से कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं। कई कई महीने तक कुरान खुलता ही नहीं है आपके घर में, ताक में रखा रह जाता, गर्दो गुबार चढ़ जाती है। और कुरान रखा हुआ घर में, ना किसी औरत में हिम्मत, ना किसी मर्द में हिम्मत, बस कुरान रखा हुआ घर में। ले आए थे बरकत के लिए, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया कुरान पे। दो दो कौड़ी के फर्श रोजाना हर मिनट सेकंड पे पोंछे लगा रही है औरत। ये फर्श डाल लिए, पहले तो कच्चे ही मकान थे, अल्लाह ने खैर कर दी, कुछ पक्के हो गए तो टाइलें आ रही हैं, संगे मरमर आ रहा है। और जनाब वाला हर 5 मिनट में जरा सी अगर देखे, जरा सा पानी आ गया, जरा सी स्याही आ गई, लल्ली बाई पर लइए। बाई पर कितनी जल्दी याद हो गया, बाई पर लइए। अरे दो दो कौड़ी के फर्शों पे पोछे मारने वाला, ये कुरान शरीफ है। कई महीनों से रखा है ताक में, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, दुनिया फाड़ने में लगी हुई है इस कुरान को। तुम अपने कुरान से गर्द ना हटा सके तो इस कुरान का डिफेंस करोगे कैसे, और अल्लाह के सामने जवाब दोगे कैसे? आज दुनिया कुरान को फाड़ती है, तुम दुनिया तुमसे पूछती है कुरान का कोई फायदा बताओ, तुम फायदा बता सकते हो कुरान का? तुम अरे अमर उजाला पढ़ने वाला क्या फायदा बताएगा कुरान का? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप, फेसबुक देखने वाला हर वक्त कुरान का क्या फायदा बताएगा जमाने को? 1400 साल पहले मेरा कुरान उतरता है। आज की तकरीर में मैं आपको यहां रुकते रुकते दो फायदे बताता हूं, और इसलिए नहीं बताते कहीं कल सुबह को ये कहना कि इमरान हनफी ने तकरीर बहुत अच्छी की थी, ना याद करना उन बातों को जो मैं बोलूं। मैंने 4 बातें अब तक अपने मदरसे और कुरान के हवाले से बोल दी हैं, और ये बड़ी बड़ी हैसियत वाली बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूं। बताओ कुरान में क्या फायदा है? पहला फायदा, फायदे तो बहुत हैं, पहला फायदा ये है, फी है शिफाउल लिन्नास, कुरान में लोगों के लिए शिफा है, लोगों के लिए। बोलो जोर से, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमानों के लिए शिफा है, अल्लाह ने फरमाया लोगों के लिए शिफा है। अल्लाह सबकी बात करता है, कुरान सबके लिए है, लोगों के लिए शिफा है, सिर्फ मुसलमानों के लिए शिफा नहीं है। हर तरह की बीमारी का इलाज कुरान में है, शिफा है लोगों के लिए। सबकी बात करता, मानव समाज की बात करता, ह्यूमन सोसाइटी की बात करता, पीपुल की बात करता है, वो मुसलमानों की नहीं। फॉर मुस्लिम पार्टिकुलरली ये नहीं कहा, बल्कि कहा फॉर पीपुल, फॉर पब्लिक, शिफाउल लिन्नास, पब्लिक
का फायदा है, सबका सबका साथ सबका विकास, ये पहला नारा हमारे कुरान शरीफ का है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये जनाबे वाला सबके लिए है, शिफा है। मगर आप तो जनाबे वाला बस इतना ही समझे, और जनाब वाला ये तो बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि 1400 साल पहले कुरान उतरा है, और 1400 साल पहले जब तक कुरान ने, सबसे बड़ा फायदा यहूदियों को भी समझाओ, ईसाइयों को जो कुरान में गोलियां मारते हैं, जो कुरान को जलाते हैं, कुरान को फाड़ते हैं, उन्हें भी दिखाओ और बताओ सबसे बड़ा फायदा कुरान का ये है कि जब से कुरान उतरा है, सुन रहे हो, जब से कुरान उतरा है तभी ते जमाने में विकास की लहर दौड़ी है। यह बताओ ये विकास कब से है, ये माइक कब से है, ये बिजली कब से है, ये ट्रेन कब से है, ये प्लेन कब से है, कर लो दुनिया मुट्ठी में कब से है, सैटेलाइट पे लोग कब गए, चांद पे कब गए, जहाँ समंदर में रोड कब बनते हैं, चांद पे प्लाटिंग कब होती है, मुझे बताओ ये सब बातें अभी कुछ ही दिनों की तो हैं, पहले तो नहीं थी ये बातें। 1400 साल पहले एक हवाला दो या एक किताब दिखाओ कि किसी ने कोई एक मशीन बनाई हो जिसने 50 मंजिल इमारत खड़ी कर दी हो, कोई मशीन कुरान से पहले हमें तो दिखाई देती नहीं, तुम दिखा दो कुरान से पहले ना कोई GMR इंफ्रास्ट्रक्चर की मशीन, ना कोई बिल्डिंग बनाने की मशीन है, ना जनाबे वाला आवाज़ दूर तक पहुंचाने की मशीन है, ना जनाब वाला बिजली है, ना ट्रेन है, ना प्लेन है, 1400 साल पहले जनाब वाला कुछ भी तो नहीं है, या है कोई मशीन तो बताओ जनाब। 1400 साल पहले, तवज्जो चाहूंगा, 1400 साल, जिस कुरान से तुम दूर हो और जिस कुरान में लोग गोलियां मारते हैं, जिस कुरान को लोग फाड़ते हैं, आज की तकरीर में मैं हजरत इन मदरसों और कुरान शरीफ से जुड़ी ही मालूमात पर बात करते हुए ये कहते हुए फख्र महसूस करता हूं कि कुरान 1400 साल पहले आया है, और जब से आया है तभी से दुनिया ने तरक्की की अंगड़ाई ली है, उससे पहले दुनिया में विकास नाम की कोई चीज नहीं थी। या अगर हो तो बता दो, 1400 साल पहले कोई जानता भी नहीं था बिजली क्या होती है, 1400 साल पहले कोई जानता भी नहीं था कि पेट्रोल क्या होता है, 1400 साल पहले कोई जानता भी नहीं था एटम क्या होता है, तो 1400 साल पहले जानता भी नहीं था सैटेलाइट क्या होता है, दुनिया जानती भी नहीं थी कि जनाबे वाला ट्रेन क्या होती है, प्लेन क्या होता है, कार क्या होती है, दुनिया 1400 साल पहले कुछ भी नहीं जानती थी। वो उनके कद तो बहुत लंबे लंबे थे, तुम तो बहुत छोटे हो उनके मुकाबले में, 12-12 फिट के थे, मगर इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी उनके पास, वो तो कच्चा घर बना लेते थे, और जनाब वाला उनको तो खाने का भी तरीका याद नहीं था, वो शिकार करते थे, मैं खाल के भून के खा लेते थे, और बस जनाब वाला आपस में लड़ते रहते थे, वो तलवारें बनाते थे और मार धाड़ करते थे, वो जुए खेलते थे, वो शराबें पीते थे, वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, वो आदम के बेटे जरूर थे मगर इंसानियत दूर दूर तक उनके अंदर मौजूद नहीं थी। इंसानियत का पहला पैगाम अगर किसी ने दिया है 1400 साल पहले तो हमारे मुस्तफा ने दिया है, मानवता का झंडा उठाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, और इनके अंदर से जानवरों वाली सिफत निकाल के इनके अंदर इंसानियत को अगर किसी ने वदियत किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जनाब वाला 1400 साल पहले दुनिया में था ही क्या, कुछ भी तो नहीं था जनाब वाला, ना मशीनें थी, ना जनाब वाला ख्यालात थे, ना सपने थे, ना ख्वाब थे। तवज्जो चाहूंगा, इसी वजह से 1400 साल पहले की कौम और जनता आगे नहीं बढ़ सकी, तरक्की नहीं कर सकी। तवज्जो है, अच्छा क्यों तरक्की क्यों नहीं कर सकी? तो जनाब वाला आप कहोगे यार हो सकता है कि मुसलमानों में दलालों की कमी तो है नहीं, मुसलमानों में मर्द भी दलाल होते हैं, बहुत सारी औरतें भी दलालने होती हैं। जब तीन तलाक का मसला आया था तो आपने टीवी पे देखा हो एक से एक बड़ी दलालन पर्दे में, एक से एक बड़ी दलालन होना चाहिए, न्याय है। इस्लाम महिलाओं के साथ न्याय नहीं करता, ये कहने वाली दलाल ने सामने खड़ी थी, तो हो सकता कोई दलाल खड़े होकर ये कह दे कि मौलाना साहब विकास इसलिए नहीं था, तवज्जो चाहूंगा, विकास इसलिए नहीं था कि उस वक्त इल्म नहीं था, उस वक्त इल्म नहीं था, तो मैं इमरान अनफी या मुफ्ती नईमुद्दीन या मौलाना साहब, ये मौलाना हमारे आपसे ये पूछेंगे कि दलाल साहब आप ये इरशाद फरमाएं कि पहले इल्म था क्यों नहीं,
अरे इंसान तो थे, दुनिया बसी हुई थी, बहुत लंबी चौड़ी दुनिया थी, लोग काफी बड़े बड़े कदो कामत में थे, बारह बारह बार ग्यारह ग्यारह फिट के लोग थे। ये बताओ दुनिया में इल्म था क्यों नहीं? तुम्हारी समझ में आ रही है? इसका जवाब तुम नहीं दे पाओगे, इसका जवाब मैं दूंगा, हम देंगे जवाब, इमरान हनफी देंगे इसका जवाब, मौलाना देंगे, मौलाना आकिल देंगे, एहसन मियां देंगे इसका जवाब, यही मदरसे वाले देंगे। और इसका जवाब यह है कि दलाल साहब इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। बेशक सिर्फ नबियों के पास था। देखा नहीं तुमने हजरत आदम अल्लाह नबी वाले सलाम को अल्लाह ने इतना इल्म दिया था कि 6 लाख भाषाओं का इल्म रखते थे। हजरत आदम एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे जनाब वाला, वो हल चला लिया करते थे, वो गेहूं जनाब वाला बो लिया करते थे, फिर दो गेहूं के दाने उगा लिया करते थे, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हजरत नूह तो इतने इल्म वाले थे कि उस जमाने में उन्होंने कश्ती बना डाली जब लोग कश्ती बनाने का सपना भी नहीं देख सकते थे। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ के पास इतना इल्म था कि तुम रात को ख्वाब में देखो तो सुबह को हजरत यूसुफ बता दिया करते थे कि इस ख्वाब का टारगेट क्या होगा। हजरत ईसा के पास इतना इल्म था कि वो ये बता दिया करते कि शाम को तुमने खाना क्या खाया है, रात को तुमने खाना क्या खाया, ये बता दिया करते थे। और वो ये भी बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के कौन से कोने में कौन सी चीज छुपी हुई रखी है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे आते थे उनके पास और आके उनसे पूछते थे कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है और खटाई किधर रखी है। और हजरत ईसा बड़े जमाली थे, उन्हें रहम आ जाता था और बच्चे को बता दे चुपके से कान में, तेरी माँ ने मिठाई तेरे घर के फलां कोने में रखी है। बच्चा चुपके से जाता था, मिठाई उठाता था और धीरे से बगैर डकार लिए जनाब वाला उतार लिया करता था। फिर जनाब वाला जब माँ देखती थी परेशान हो जाती थी, आई ईसा के पास और आके कहती थी सरकार सब कुछ बताइए मगर हुजूर हमारे बच्चों से हमें बचाइए। बहुत इल्म वाले थे वो। मूसा के पास इल्म था, ईसा के पास इल्म था, आदम के पास, इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास इल्म था, ईसा ज़बीहुल्लाह के पास था, ईसा इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पास था। 1,24,000 ये बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही? कहां से चल पड़े हैं? थोड़ी देर बैठे रहो, ऐसे ही बैठ जाओ। अच्छा बच्चा फौरन बैठ गया, देखो माशाल्लाह, ऐसे ही बैठ जाओ, बैठे रहो, बड़ी मुश्किल से तो हाथ आए हो, जलसा है। जलसे रोजाना होते हैं क्या? रोजाना नहीं होते। और कहो तो मैं तुमसे पहले उतर जाऊं, 1 घंटा हो गया, मुझे क्या करना, मुझे तो 1 घंटे ही बोलना, ऐसे बोल लूंगा, ऐसे बोल लूंगा। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में बोलता हूँ, तवज्जो। मैं नहीं चाहता कि आंखें बंद करूं और तकरीर कर जाऊं और तुम्हारी समझ में कुछ आया कुछ नहीं आया। मैं क्या करता हूँ ऐसी तकरीर, मैं तो आंखें खोल के करता हूँ, देखता रहता हूँ कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, और कुछ समझ में आ भी रही है नहीं आ रही है। मैं आंखें बंद करके तकरीर करूँ और पता चले, आंख खुली और पता चले मजमा ही साफ हो गया, आखिर में एक ही बैठा रह गया। मौलाना साहब की आंख खुली, पूछा कि वो कहाँ चले गए, बाकी जो थे तो वो बैठा हुआ बोला वो सब अकलमंद थे चले गए, कि तू अकेले ही बेवकूफ़ रह गया। कि बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी तकरीर थोड़ी सुन रहा हूँ, मैं तो इस कुर्सी के लिए बैठा हूँ जिस पर तुम बैठे हो, मेरी कुर्सी मुझे दे दो, जिसे चाहो सुनाते रहिए। तो मैं तो आंखें बंद करके करता नहीं। आ रहे हैं जा रहे हैं, आए हैं माशाल्लाह, आए हैं, खुशी की लहर दौड़ गई, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, आने वाले अच्छे लगते हैं। ये बच्चा आ रहा है जा रहा है, बैठ जा, खुश खुदा खुश रखे, आबाद रखे। कोई जाएगा नहीं, अगर मैं सुबह फजर तक भी बोलता रहूं तो तुम पे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। हाथ उठाओ, फजर तक कितने लोग बैठे रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारे उठे हाथों की लाज रख ले, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। हालांकि मैं फजर तक रिसेट नहीं हो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे सवाब का मीटर चालू है, क्योंकि नियतों पर ही सवाब शुरू हो जाता है अल्लाह के यहां। खैर की नियत पर सवाब शुरू, बदकारी की नियत पर सब अजाब शुरू नहीं होता। आगे बढ़ता हूं, इजाजत चाहता हूं, अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। अरे ओ अमेरिका और यूरोप के गुंडो, ये कहते हो हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है दुनिया, हमने चमकाई है। अबे तुम सबके सब झूठ बोलते हो, तुमने चमकाई होती तो पहले क्यों नहीं चमकी? तवज्जो चाहूंगा, जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे भाई अगर इंसानों ने चमकाई होती, इंसानों ने अगर इस दुनिया में इनकलाब लाए होते तो पहले क्यों नहीं आया इनकलाब? तो
तो जनाबे वाला बात इतनी है कि पहले विकास नहीं था इसलिए कि इल्म नहीं था। मैं कहता हूँ इल्म तो था मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। अब जो मैं जुमला बोलने जा रहा हूँ इस जुमले को कैच करना और इस जुमले को याद रखना जो मैं कहने जा रहा हूँ। याद रखोगे ना, अगर ये जुमला याद रख लिया मेरी तकरीर का मकसद पूरा हो जाएगा। याद रखना, बार बार ताकीद कर रहा हूं, याद रखना इस बात को। पहले विकास नहीं था इसलिए कि जनता में इल्म कॉमन नहीं था। क्यों नहीं था? जनता को इल्म क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया, याद रखना, इसलिए नहीं दिया गया था कि अल्लाह की मर्जी ये थी। याद रखना, अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी जनता के बीच इल्म को आम नहीं करूंगा। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर इनकलाब, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर इनकलाब। और जनाबे वाला यही हुआ, नबी आया, सुभान अल्लाह, 40 बरस का हुआ, रब ने बचाया, गारे हीरा में आया। जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब सुनो, लोग पूछते व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, टू दिस यूनिवर्स, इस दुनिया के लिए कुरान का फायदा क्या है? देखो सबसे बड़ा फायदा यह है, हालांकि तुम ना बता सके क्योंकि तुम कुरान पढ़ते ही नहीं हो, तुम कुरान के करीब ही नहीं हो, तुम कुरान से मोहब्बत करते, कुरान के करीब होते तो तुम बताते और कुरान का डिफेंस करते। मगर जनाब वाला तुम्हें फुर्सती कहाँ मिली कुरान पढ़ने की? तुमने तो ये समझा कि कुरान पढ़ने वाला तो बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पीछे रह जाता है कुरान पढ़ने वाला, जबकि जनाब वाला तुम्हें हकीकत का अंदाजा नहीं है। कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, आज भी आगे है। देखो सिद्दीक अकबर कुरान पढ़े हैं, जनाब वाला आगे आगे हैं, उमर फारूक आजम ने सिर्फ कुरान पढ़ा, अल्लाह की कसम इतना आगे पहुंचा, इतना आगे कि उस वक्त में दुनिया के दो सुपर पावरों को अकेले उमर ने ठिकाने लगा दिया। और आज भी जब उमर का नाम आता है तो यहूदियों ईसाइयों के कलेजे पित्ते हो जाते हैं। उस्मान गनी ने कुरान पढ़ा और ऐसा सेठ बना, ऐसा अर्थशास्त्री बना कि आज की दुनिया का उसूल है, आज की दुनिया का उसूल है। सेठ मर गया, करंट अकाउंट बैंक में क्लोज हो गया, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर 1300 साल हो गए, 1300 साल हजरत उस्मान को विशाल फरमाए, पर्दा फरमाए, 1300 साल। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, कुरान पढ़ने वाला तो कभी पीछे रहा ही नहीं है जनाबे वाला। हजरत मोहतरम 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए उस्मान गनी को, मगर आज भी लोग सऊदी अरब की म्यूनिसिपलिटी में मेरे उस्मान गनी का सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है, करंट अकाउंट। और किसी सेठ का करंट अकाउंट मरने के बाद नहीं चलता, उस्मान का चल रहा है। बोलो आगे है या पीछे? जोर से कहो सुभान अल्लाह। तुम कहोगे तो बहुत पुरानी बातें होंगी, कोई नई बात बताओ। चलो नई बात बताता हूँ तुम्हें जनाब वाला। ये बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी का नाम तो सुना है जनाब वाला, वही अल्लाह का शेर नर जो चौतरफा महादाराई पे अकेला खड़ा था और जनाब दुश्मनाना ने मुस्तफ़ा और गद्दारा ने रसूल को जवाब देने के लिए जिसने अपना सब कुछ वक्फ कर रखा था, न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन, अकेला खड़ा था बरेली का शेर खुदा, मर्द खुदा, जोर से बोलो। और वो सूरमाए बरेली भी चौराहे पे चौतरफा भेड़ियों को के खून आशाम पंजों का अकेला मुकाबला करता था। इधर से तीर चला अहमद रजा ने सीने पे लिया, उधर से तीर चला अहमद रजा ने सीने पे लिया, उधर से तीर चला अहमद रजा ने सीने पे लिया। और मुस्तफा के नामूस और मुस्तफा की इज्जत को बचाने का हक अदा कर दिया बरेली वाले ने, करबला वाले की गुलामी का हक अदा कर दिया। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। वो इमाम अहमद रजा इल्म का पहाड़ है।
सुभान अल्लाह। फजल का पहाड़ है वो, तकवा का समंदर है वो, इतना बड़ा आलिम है वो, इतना बड़ा आलिम है जनाबे वाला कि वो आलिमों का आलिम है, फकीहों का फकीह है, मुदब्बिरों का मुदब्बिर है, कंजुद्दक्काकीन है, इमामुल मुहक्किकीन है, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, अल्लाह के निशानी नबी का मौजज़ा है, गौसे आज़म की करामत कहा जाता है उन्हें, और गरीब नवाज की नजर इनायत कहा जाता है उन्हें। वो जनाबे वाला इतने बड़े आलिम थे कि उन्होंने सिर्फ एक इल्म में नहीं बल्कि ज्ञान की 56 शाखाओं में, यानी 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में, 56 ब्रांचेज ऑफ नॉलेज में बरेली वाले ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच दिया, दीन का झंडा ऊंचा कर दिया। 1200 से ज्यादा किताबें लिखी, फिजिक्स में किताब, जियोलॉजी में किताब, बायोलॉजी में किताब, टाइमिंग में किताब, हिंदसा में किताब, नहम में किताब, सफ में किताब, बलागत में किताब। हजरत मोहतरम 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नैस की शरह लिख के जनाबे वाला तारीख बना डाली। 14 साल की उम्र में अल्लाह की कसम फतवा देखे, वो भी रजात के दिन रजात का फतवा देखे, अल्लाह की इज्जत की कसम ये साबित कर दिया कि इल्म इल्म है जो इस सीने में महफूज है, ये इतना इल्म वाला। और लोगों ऐसा छाया दुनिया पे, ऐसा छाया दुनिया पे, ऐसा छाया कि आज दुनिया की हर यूनिवर्सिटी, अक्सर यूनिवर्सिटियों में, आज दुनिया की अक्सर यूनिवर्सिटियों में जितनी PhD इमाम अहमद रजा पे हो रही है, इतनी PhD गांधी जी पे भी नहीं होती है, इतनी PhD दुनिया के किसी फर्द पे नहीं हो रही है जितनी PhD बरेली के अहमद रजा पे हो रही है। चारों तरफ रजा रजा है, रजा का जलवा है, चारों तरफ रजा का जलवा। और सुभान अल्लाह ऐसी शान बन गई है उसकी कि चौराहे का नाम देखो तो रजा सर्कल, मार्केट का देखो तो रजा मार्केट, कॉम्प्लेक्स का देखो तो रजा कॉम्प्लेक्स, और जनाबे वाला मस्जिद का देखो तो रजा मस्जिद, और इस मदरसे का देखो तो रजा मदरसा, चारों तरफ रजा रजा। डाक टिकट जारी होता उनके नाम पर, पूरी की पूरी ट्रेन चलती है उनके नाम पे। हजरत मोहतरम चारों तरफ जलवा है, गलगला है, वलवला है, तरंगे है, उमंगे है, अहमद रजा का नाम गली गलियारे छाया हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, अहमद रजा ने किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? जवाब होगा एक दिन नहीं गया है बरेली वाला किसी यूनिवर्सिटी में, बल्कि शान ऐसी है कि यूनिवर्सिटी वाले भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी वाले जर्मनी जा रहे हैं गणित का मसला हल करने को। माशाल्लाह जलसा पुरनूर है, अल्लाह आबाद रखे। बैठ जा जल्दी बैठ जा बेटे, खुश रहो आबाद रहो, कोई परेशानी नहीं ना, कोई उलझन नहीं ना, शैतान उंगलियां तो नहीं मार रहा? तुम समझते हो मदरसे वाला या कुरान वाला पीछे रह जाता है? मजाक उड़ाते हो इनकी, अपने बच्चों को पढ़वाते भी नहीं हो। ओ क्या पढ़ेगा, क्या खाएगा, क्या खाएगा? ये कहते हैं कि जब मदरसे में पढ़ाएंगे तो बच्चा क्या खाएगा, वो फिर जब मौलवी बन जाता तो ये कहते हैं कि मौलवी बहुत खाते हैं। पहले कह रहे थे क्या खाएगा, और अब कह रहे हैं कि मौलवी खाते बहुत। दोनों तरफ की, या फिर कहते हो कि उल्टी भी इनकी सीधी भी उनकी। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी उल्टी तुम्हारी सीधी। पहले कहते थे खाएगा क्या, अब कहते हैं खाता बहुत है। मैं ये कहता हूं मदरसे वाला या कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, मुझे तो नहीं मालूम। मुझे तो जनाबे वाला, मैंने तो ये देखा अहमद रजा एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं जाते मेरे आला हजरत, बल्कि यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब जर्मनी जाने की तैयारी कर रहे हैं। जर्मनी, ही विल विजिट जर्मनी। क्यों जा रहे हैं साहब जर्मनी? तो जनाब वाला पता चला गणित का एक मसला उलझ गया है, गणित का एक, गणित की एक प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है, उसके सॉल्वेशन के लिए जर्मनी जाना ही पड़ेगा। किसी की मुलाकात हो गई कि जर्मनी बाद में चले जाना, पहले बरेली चले जाओ। बरेली में बरेली में कोई प्रोफेसर है, बरेली में कोई यूनिवर्सिटी है? हाँ ना, बरेली चले जाओ, बरेली में एक मौलाना है। तो आंखें फैल गई उनकी, बोले मौलाना? तो ये बोले हाँ हाँ, अभी देखे ही कहाँ है तुमने मौलाना, अभी तुमने देखे ही कहाँ है, सुना है मौलाना, देखे ही कहाँ है मौलाना,
अरे ये मौलाना है, जाओ मिलने जाके गए, पहुंच गए। भाई हो सकता है जर्मनी ना जाना, बड़ा जनाब वाला कभी कभी ऐसा होता है, लाख की ना लगे खाक की लग जाए, चलो भाई बरेली देख ले। अब जनाबे वाला आ गए बरेली, जब पूछा कि आला हजरत किधर मिलेंगे, तो जनाबे वाला आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने उस मकतब में थे जिस मकतब में आप हर वक्त किताबें लिखते रहते थे, हर वक्त किताबें लिखते रहते थे। सलाम किया, सलाम करने के बाद आप लिखते रहे, बैठा लिया, बैठाने के बाद इरशाद फरमाया, लिखते रहे और पूछते रहे कि बताइए कहाँ से आ, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था उनके पास, लिखते रहे और पूछते रहे बताइए कहाँ से आना हुआ साहब, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आया हूँ, कहिए कैसे आना हुआ है। बोले हुजूर मैंने ऐसा ऐसा सुना, मेरा एक प्रॉब्लम है गणित का है, और ये रेखा गणित का, ये रेखा गणित की एक प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की, सरकार मैंने सोच, मुझे बताया गया कि बरेली में मेरा मसला हल हो जाए। अभी लिख ही रहे हैं, किताब लिखना जारी है जनाब वाला, और लिखते लिखते बातें हो रही हैं। हजरत मोहतरम बोले अपनी प्रॉब्लम बताइए, अपनी प्रॉब्लम बताइए। वो प्रॉब्लम बताने लगे, कलम रुक गया मेरे इमाम का, कलम रुक गया मदरसे वाले का, कलम रुक गया कुरान पढ़ने वाले का। हजरत मोहतरम कलम रुक गया, और फिर बहुत गौर से आला हजरत सरकार ने उनका चेहरा देखा और उन्हें शाबाशी दी कि तुम यहाँ आए हो, बहुत अच्छा काम किया, जर्मनी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे आला हजरत ने बीच में ही रोक दिया, इरशाद फरमाया ठहर जाओ प्रोफेसर साहब, आपकी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ गई, अब मैं बताता हूँ आप कहना क्या चाह रहे हैं। वाह भाई वाह, सुभान, जोर से कहिए सुभान। अभी तो प्रोफेसर साहब कह भी नहीं पाए थे, ये मदरसे वाला है, कुरान पढ़ा हुआ। समझते कुरान पढ़ा हुआ पीछे रह जाता तो तुम कौन से आ गए हो, तुमने कुरान नहीं पढ़ा तो तुमने कितनी फैक्ट्री लगा ली। अरे तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुम फटे फिर रहे थे, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हमने कुरान नहीं पढ़ा, हम बहुत आगे चले जाएंगे, तो मुझे बताओ कितनी इंडस्ट्री लगा ली तुमने, कितनी फैक्ट्री लगा ली। वो दिल्ली में जो सबसे बड़ी फैक्ट्री वो तुम्हारी होगी, लखनऊ की सारी इंडस्ट्री तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने कुरान नहीं पढ़ा ना। कुरान पढ़ते तो पीछे रह जाते तुम। अरे होश में आओ मुसलमानों, होश में, बेहोशी की जिंदगी छोड़ दो। कुरान पढ़ते तो खुदा की कसम का के कहता इमरान अल्फी, तुम यहां नहीं होते, आज जहां नजर आ रहे हो, तुम जमीन पे नहीं होते, तुम तरक्कियों के आसमानों पे होते, तुम जलील नहीं होते, इज्जतों का ताज तुम्हारे सरों पे बंधा होता। जानते हो तुम्हारी जिल्लतों के पीछे, तुम्हारी जिल्लतों के पीछे, तुम्हारी रुसवाइयों के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, मगर बड़ा कारण एक ये भी है कि तुम कुरान से दूर हो गए हो, बहुत बड़ा कारण है, तुम पीछे रह गए। इरशाद फरमाया ठहरो प्रोफेसर साहब, ठहर गए प्रोफेसर साहब। इरशाद फरमाया तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्वेशन ये है, मिनटों सेकंडों में बरेली वाले आला हजरत इमाम अहमद रजा ने मैथमेटिक्स की वो प्रॉब्लम नाखुने तदब्बुर और हिकमत से ऐसी सुलझाई, ऐसी सुलझाई कि जर्मनी जाने की जरूरत नहीं आई। कदमों पे गिर गए प्रोफेसर साहब, और कदमों पे गिर के चेहरे को निहार के आंखों में आंखों डाल के अलीगढ़ के प्रोफेसर ने कहा था, ओ बरेली के मौलाना, बड़े मौलाना साहब, जब तुम्हारा इल्म ऐसा है तो जिसका परतव और साया बन के आए हो तुम, बगदाद वाले गौसे आजम का इल्म कैसा होगा। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया बल्कि यूनिवर्सिटियां चल चल के उसके द्वारे आई हैं, वो तो सबसे आगे हैं। और देखो तो कोहे रदा, वादी रदा की कोहे, हिमालय रदा का, ये तो मैं तुम्हें अभी की बात बता रहा हूँ दादा, पुरानी बात नहीं है। किसने कह दिया कुरान पढ़ने वाला जनाबे वाला पीछे रह जाता है? तुम्हारी झूठी मानसिकता तुम्हें मार डाल रही है। चार बच्चे दिए हो तो एक बच्चे को कम से कम कुरान पढ़ा लो, हाफजा करा लो, मौलवी बना लो, दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। उस दिन पता चल जाएगा आप डॉक्टर बना रहे हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, डॉक्टर बनाओ। एक जगह मौलाना साहब बता रहे थे, मौलाना इसहाक साहब के मौलाना से कह रहे थे कि मौलाना साहब तुम्हारे पास अकल बहुत है, इल्म बहुत है, तुम डॉक्टर भी बन जाओ, डॉक्टरी भी पढ़ लो, तुम मास्टरी भी पढ़ लो, तुम्हारे पास अकल बहुत है,
मैं कहता हूं तुम हमसे कह रहे हो गरीबों से कि तुम मौलाना हो, अकल बहुत है, इल्म बहुत है, तुम डॉक्टरी भी सीख लो, डॉक्टरी की डिग्री ले लो। अफसोस होता है यार जब मुझसे कोई कहता है या इनसे कोई कहता हम डॉक्टरी कर लें। एक बार हम कहते हैं डॉक्टर से कि मुसलमान डॉक्टर तू MBBS भी है, MD भी है, अल्लाह ने तुझे सब कुछ दिया, आलिम भी बन जा। सुभान, अबे आलिम भी बन जा, हाफिज कुरान भी बन जा। हमसे कहता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, हम तुझसे कहते हैं कि तूने अल्लाह ने डॉक्टर बना दिया तुझे, अल्लाह ने तुझे मास्टर बना दिया और तेरे पास ताकत भी है, आलिम दीन भी बन जा, हाफिज कुरान भी बन जा। चार बेटे हो तो कम से कम एक बेटे को मौलाना जरूर बनाओ, इन मदरसों से जोड़ो और कुरान से जोड़ो। क्यों क्यों? एक दिन जरूरत पड़ेगी इसकी, तवज्जो है। जब मरोगे, जब जनाजा, जनाबे वाला जब जनाजा यानी वक्त नजर आएगा और जब बोलती बंद हो जाएगी, जब चमचियों से पानी पिलाया जाएगा। एक वक्त आता, देखा कभी चमचियों से पानी पिलाया जाता है? बोल नहीं पाती, ऐसे टकर टकर देखती रहती है, बोल नहीं पाती, बोल नहीं पाता, चमचियों से पानी पिला रही है लल्ली बैठी हुई। अब उसका बेटा आ गया, डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब अपनी माँ को देखने तड़प रही है, तो माँ से कहते हैं, मामा डोंट वरी मामा, डोंट वरी मामा, अंग्रेजी सुना रहे हैं, अंग्रेजी। अब वो दिल दिल में सोचती है, बेटे था सारी जिंदगी तेरी अंग्रेजी अच्छी लगी मेरे लाल, मगर इस टाइम में मुझे तेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं लग रही मेरे बेटे, मेरी रूह बड़ी बेचैन है, बहुत बेकरार दिल है मेरे लाल, इस बेचैन दिल को चैन देने के लिए और इस बेकरार रूह को करार देने के लिए मुझे सूरह यासीन पढ़ के सुना दे बेटे, आजा सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। डॉक्टर साहब को सूरह यासीन नहीं, मास्टर साहब को सूरह यासीन नहीं, इंजीनियर साहब को सूरह यासीन नहीं, पर जल्दी से भागे मस्जिद के इमाम की तरफ। मगर पराया पराया होता, अपना अपना ही होता है, पराया पराया है, अपना अपना है। इमाम साहब की तरफ दौड़े, जल्दी से लाऊं, मेरी माँ तड़प रही, मेरा बाप तड़प रहा है। तो जनाबे वाला पता चला, इमाम साहब के रूम की कुंडी बंद है, कहाँ है इमाम साहब? बोले जो मेरा ना आज छुट्टी पे चले गए इमाम साहब। तो जनाब बोला, इमाम साहब छुट्टी पे चले गए, या मंगल का दिन है, बाजार को चले गए इमाम साहब, ताहरपुर की बाजार को चले गए। जनाब बोला, अब इमाम साहब नहीं है, या पीर की बाजार को चले गए? के इमाम साहब के पीर आज पीर है, है? दौलपुरी का बाजार है, चले गए इमाम साहब, लेकिन अपना होता। तवज्जो है। आज जनाबे वाला खुदा की कसम पूरी जिंदगी की कामयाबी की जमानत बन जाता, सूरह यासीन पढ़ता, रूह बेकरार हो जाती, रूह बेकरार रूह को करार आ जाता और जनाबे वाला सुन के अल्लाह की तरफ चला जाता है, चली जाती। और फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब वो कब्र में चला गया तो अब जब सब जनाबे वाला ये कब्र में चली गई तो सब छोड़ छोड़ के आ गए, सब छोड़ छोड़ के आ गए, ताऊ भी आ गया, चचा भी आ गया और प्रधान भी आ गए, सुरमा साहब भी आ गए, धनत्तर साहब भी आ गए और सब सब सारे के सारे उसे बेचारे को अकेले को छोड़ के आ गए। मगर एक बेटे को उसने मौलाना बना दिया था, हाफिज बना दिया था, वो जनाब वाला बेटा छोड़ के नहीं आया, बल्कि उसे नबी ने सिखा दिया था, नबी पाक की तालीम दी उसके बाद कि छोड़ना नहीं अपनी माँ को और अपने बाप को। जब तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप कब्र में उतर जाए, गांव वाले छोड़ के चले जाएं, जाने दो, मगर तुम बैठे रहना और अपनी माँ को और अपने बाप को तलकीन करते रहना। तो छोटा बड़ा बच्चा जनाब वाला वो हाफिज़ कुरान वो कब्र पर बैठे हुए कहने लगा, माँ उधर अकेली बेचारी, वहशत वहशत है, पहली बार गई है, उन दीवारों से नाचना है। तो बच्चा इधर से कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी बीच में दो फरिश्ते आते हैं, उनके दांत बड़े खतरनाक हैं, वो दीवारों को, वो जनाब जमीन को चीरते हुए आते हैं, उनके पाल बहुत लंबे लंबे, उनकी शक्लें बड़ी अजीब सी हैं और वो करख्त आवाज में कहते हैं, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब वो हैरत में पड़ गई है, पड़ गया जो अंदर गया है, बाप है या माँ, हैरत में पड़ गई। हजरत मोहतरम बोलती बंद है, करख्त आवाज है, एक ही मिनट है, पास है या फेल है, पूरी जिंदगी की कामयाबी और नाकामी आज इसी एक मिनट पर आधारित है, पूरी जिंदगी की बर्बादी और आबादी इसी एक मिनट पर आधारित है।
तुमने तो जरा सी देर में मदरसे को मदरसे पे क्रिटिसाइज कर दिया, जरा सी देर में मौलवी नहीं कर दिया, मौलवी नहीं कर दिया, और तूने नहीं करा कुछ। अपनी लिस्ट तो निकाल, तू क्या क्या कर रहा है, तू कुछ नहीं करता। अरे खुदा की कसम याद आएगी उस दिन जब अंदर पड़ा है, हजरत मोहतरम फरिश्ते बोलते मर रब होगा तेरा रब कौन है, तो ऊपर से बेटा बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे की आवाज ने बेकरार दिल को फिर करार दे दिया, मेरा लाल कह रहा है, मेरा लाल मुझे अल्लाह का नाम सुना रहा है। फौरन जवाब देती है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, सुभान अल्लाह। तो दूसरा सवाल होता मादीनों का, ऊपर से बच्चा कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसे याद आ गया जब मेरा रब अल्लाह है तो मेरा दीन इस्लाम है, मेरा बच्चा बता रहा है। वो पूछते हैं मादीनों का तेरा दीन क्या है। इधर बात यहीं पे तमाम नहीं हो जाती लोगों, एक मिनट बर्बादी और तबाही इसी पे आधारित, एक मिनट इधर फरिश्ते आए, उधर से जब वो गया कब्र में तो एक अजीब बात और भी तो हुई। वो अजीब बात भी बताऊं, जब पैदा होता है आदमी तो एक शैतान भी पैदा होता है साथ में। तवज्जो है, उसे हमजात कहते हैं, और वो पूरी जिंदगी तुमसे क्या कहता है, दाढ़ी मुंडा ले बहुत बढ़िया लग रहा है, 70 साल की उम्र है कोई बात नहीं है, चिकना हो जाएगा बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लगेगा तू, और क्रीम वो वाली मत लाइए, वो वाली लेके आइए, वो बहुत दलपतपुर में मिलती है, बादली टांडे में आती है वो वाली, तवज्जो है। और तू अभी क्यों जा रहा है फजर में, मैं उठा दूंगा ना, तू अभी सो जा। और खाना खाते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की क्या जरूरत है ना, ऐसे ही खा ले, टोपी की क्या जरूरत है, फला आदमी बगैर टोपी के नहीं खाता, तू खा ले। वो जो बात बात पे मिनट मिनट पे तुम्हें थपथपाता है, तुम्हें बिस्मिल्लाह पढ़ने से रोकता है, तुम्हें बगैर टोपियों के खाना खिलवाता है, वो जो दाढ़ियां मुंडवाता है, वो जो गैर इंसानी काम कराता है, वो जो गुस्सा दिलवाता है, वो जो माँ का कलेजा कटवाता है, वो जो कहता है बीवी से प्यार कर और माँ को लात मार, वो शैतान, तवज्जो है, वो शैतान कदम कदम पे तुम्हें बर्बादी की दावत देने वाला, कदम कदम पे जहन्नम के सींचे खोलने वाला, कदम कदम पे जहन्नम के दरीचे खुलवाने वाला, कदम कदम पे तुम्हें इंसान से हैवान का रूप धारण करने पे मजबूर करने वाला वो शैतान, जिस दिन तुम मरे वो तुम्हारे साथ साथ कब्र में चला गया, यानी पूरी जिंदगी रहा और अब कब्र में चला गया। अब इधर ये खड़ा है, इधर फरिश्ते फरिश्ते कहते तेरा रब कौन है, तो बेचारी औरत सुन लो, फैशन मत करो, हया का दामन मत छोड़ो, शर्माना मत छोड़ो, शर्माओ हया करो, कंट्रोल में रहो, जवानी 4 रोज की है मर जाओगी, जाओ कब्रस्तानों में जाके देख लो, हुस्नो जमाल के पैकर सब खत्म हो गए, ताकत वाले सब मिट गए, बहुत बड़े बड़े आसमानों को जमीन निकल गई, तुम हो कौन से खोए खेत की मूली, इसलिए ना हुस्न पे इतराओ, ना माल पे, ना जवानी पे नाश करो, तो सैयदा तैयबा ताहिरा पे नाश करो, अगर नाश कर सको तो बगदाद और बसरे की उस राबिया बसरिया पे इतराओ, कि सारी दुनिया काबे के तवाफ को चली, काबा राबिया के तवाफ को चला। ए मेरी माँ और बहनों, इस मौके पर तुमसे कहना चाहता हूँ कि जिस औरत ने, जिस बहन ने और जिस माँ ने और कौम की जिस शहजादी ने खुदा की कसम 4 बातों पे अमल कर लिया, जन्नत पक्की है। इरशाद फरमाया मेरे नबी ने, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, जिस औरत ने रमजान के रोजे रख लिए, जिस औरत ने अपने जेवरों की ज़कात दे दी, और 4थी बात मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो आताद बालहा, और जिस औरत ने अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को सर पे रखा, दिल में रखा, जिगर में रखा, और अपने आदमी की अमानत में कभी खयानत नहीं की, बेपर्दगी नहीं की, जिसने जनाबे वाला सैयदा की सीरत पे अमल करके ये साबित कर दिया कि चंद रोज की जिंदगी है, मजे तो जन्नत के मजे हैं, मजे तो सैयदा के साथ उठेंगे तब आएंगे, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाब बिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी
है, रोक टोक अंदर चली जाएगी। इसलिए ओ मेरी माँ और बहनों, होश में रहो, कंट्रोल में। ये भाग, ये तबले, ये ताशे, ये नाच, ये गीत गाना, ये जनाबे वाला, ये गैर मुस्लिमों के तौर तरीके बंद करो और जनाबे वाला अपने आप को साबित करो कि तुम मुस्तफा की कनीज़े हो। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। और तुमसे भी कहना चाहता हूं, इधर कुरान पे एतराज करते हो, इधर मदरसे पे एतराज करते हो, उधर देखो तुम्हारी बेटी की इज्जत बीच चौराहे पे लुट गई, उधर देखो तुम्हारे बेटे के सिर पे दाग यतीमी लग गया, वो देखो कितनी मेरी और तुम्हारी बहनें दरवाजों पे बैठ के अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं, मगर वो सुहाग तो रामपुर में लुट गया, वो सुहाग तो बरेली में लुट गया, वो सुहाग तो लखनऊ में लुट गया। हर जगह जनाबे वाला मौत के साए हैं, हर जगह खुदा की कसम अहंकार, और हर जगह तुम्हारे साथ जुल्म और ज्यादती उद्वान है। और जनाब ऐसे हाल में क्या तुम्हें जैब देता है कि अपनी चीखती हुई बहन और अपनी परेशान हाल बेटी की चीखों को ना सुन के तुम ढोल बाजे बजाओ, तुम कंपनियों को नचाओ, तुम बदमाश औरतों को घरों में बुलाओ, बच्चे पैदा हो तो रंडियाँ आ रही हैं, बदमाश औरतें आ रही हैं, और शादियाँ हो रही हैं तो ढोल तमाशे हो रहे हैं, ये तुम्हारी शान थी? कश्मीर का बच्चा आवाज़ देता है, फिलिस्तीन का लुटा हुआ बच्चा आवाज़ देता है, वो आबरू बाख्ता बहनें जने कितनी बहनों की इज्जतें बीच चौराहों पर लुट गई सिर्फ मुसलमान के नाम पर, वो तुम्हें पुकारती हैं। तो जनाबे वाले ऐसे हालात में कि जब चारों तरफ चीखो पुकार मची हुई है, गिरिया उदारी है, आहो फुगा है, नीला नाला शेवन है, ऐसे हालात में जब चारों तरफ मिल्लत का कत्लेआम हो रहा है, जब चारों तरफ मिल्लत की कदरों का कत्लेआम हो रहा है, मॉरल वैल्यूज का खात्मा हो रहा है, ऐसे वक्त में तुम नाचते और नाचोगे? अरे तुम्हारा जमीर तुम्हें झंझोड़ेगा नहीं, ऐसे वक्त में तुम बाजे बजवाओगे अपनी शादियों में? ऐसे वक्त में जनाबे वाला मुझे बताओ डांस करोगे? बदमाश औरतों, ना हंजार, बेपर्दा, बदतमीज, सालिम, आवारा औरतों को घरों में बुला बुला कर डांस करवाओगे उनका? हज़रत मोहतरम, वो करेगा इस काम को जिसके सर में अकल नहीं होगी और जिसके जनाब सीने में दिल नहीं होगा, अगर कोई पूरा जानवर ही होगा। बेशक शादियों के मौके पे डांस मत करो, बच्चों की पैदाइशों के मौके पे आवारा औरतों को मत बुलाओ, सादगी के साथ जाओ और सादगी के साथ आओ। अल्लाह की कसम, वो अल्लाह जिस अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने पैदा किया और तुम्हें जवान किया, जिस अल्लाह ने तुम्हें ताकत वाला बनाया, अगर चाहे तो एक सेकंड में तुम्हारी जवानी में जनाब आग लग जाए, एक सेकंड में तुम्हारे जनाबे वाला आबाद घर बर्बाद हो जाए, एक सेकंड नहीं लगता मेरे अल्लाह को जब उसका जलाल जोश में आ जाता है तो जानते हो। एक मिसाल देता हूँ, समझ जाओ कैसी ताकत वाला है। सिर्फ 56 सेकंड, ओनली 56 सेकंड्स, अल्लाह का जलाल देखो। समंदर में उबाल आया, समंदर में तूफान आया, सुनामी की लहरें उठने लगी, एक मिनट पूरा नहीं हुआ था, सिर्फ 56 सेकंड्स, और नतीजा क्या हुआ? ये अल्लाह का जलाल है, नतीजा 56 सेकंड, और इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग सिर्फ 56 सेकंड में मौत का निवाला बन गए। ये अल्लाह है, ताकत वाला अल्लाह। जरा सी देर में जलजला आता, हजारों नेपाल जनाबे वाला हिल के रह जाते हैं, हिल के। ये अल्लाह है, वो अल्लाह जो नेपाल को हिला सकता है वो तुम्हें नहीं हिला सकता। जो अल्लाह जनाबे वाला समंदरों में तूफान उठा सकता है, क्या वो अल्लाह हमारे घरों में तूफान नहीं उठा सकता है? मगर फिर भी हम बचे हुए हैं, जानते हो कारण क्या है? मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के नवे पारे में, वमा कान अल्लाह मेरे नबी, बर्बाद कर देता इन डांसरों को, तबाह कर देता, आग लगा देता इनके घरों में, बर्बाद कर देता नाचने गाने और कूदने वालों को, इन्हें लहवो लई में पढ़ने वालों को, इन नाफरमानों को, इन बेनमाजियों को, इन झूठो चुआरियों को, इन मक्कारों अय्यारों सूदखारों को, इन सबको तबाह कर देता, बर्बाद कर देता, इनकी बस्तियों को उलट पलट कर देता। मगर मेरे महबूब, अल्लाह की शान नहीं कि जिस कौम में तुझ जैसा मेरा नबी सलामत हो। वाह भाई,
मेरा महबूब जिस कौम में सलामत हो मैं उस महबूब की कौम को बर्बाद नहीं करूंगा इज्तिमाई तौर पर। अल्लाह अकबर। अरे इतने गुनाह करने के बाद भी तुम सलामत हो, एहसान मानो मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान, एहसान मानो मुस्तफा का। वो मुस्तफा है, तौबा करो और जनाबे वाला खुशियों के मौकों पे कभी ऐसे काम ना करो जिससे अल्लाह का दुश्मन राजी हो और अल्लाह नाराज हो जाए।